14 फरवरी को संबलपुर में मनाया गया बलिदान दिवस। ग्राम संबलपुर में युवा वर्ग द्वारा वैलेंटाइन डे का विरोध कर 14 फरवरी को अमर शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु जी व सुखदेव जी, जिन्हें 14 फरवरी के ही दिन फांसी की सजा सुनाई गई थी, व इसी तारीख को पुलवामा में 40 जवान के देश के नाम बलिदान हुए थे, जिनकी याद में सोमवार को संबलपुर मुख्य चौक पंचायत कॉम्प्लेक्स के समक्ष भगत सिंह जी की मूर्ति का अनावरण कर बलिदान दिवस मनाने का फैसला किया गया है। शहीद भगत सिंह जी मूर्ति स्थापना में उपस्थित मनीषा निशांत ठाकुर, जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 9, जनपद पंचायत भानु प्रतापपुर और गांव के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा ग्राम पंचायत संबलपुर में किया गया है। इस अनावरण में सरपंच श्रीमती अनीता रावटे, ग्राम पंच, ग्राम पंचायत व ग्रामवासियों की सार गर्भित उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर व मौन धारण कर 14 फरवरी 2022 शाम 5 बजे पंचायत कॉम्प्लेक्स संबलपुर में संपन्न किया गया। आज 14 फरवरी के दिन हमारे बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ पर आज के दिन पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से वैलेंटाइन डे का दिन था, लेकिन हमारे मतलब यहाँ के युवा वर्ग ने इस को इसके अंदर तब्दील करके और एक अच्छा सराहनीय प्रयास किया है, जिसके लिए हम सब ग्रामवासी इसके लिए अपने आप को सबको धन्यवाद करते हैं। आज के दिन ही हमारे देश में पुलवामा की घटना घटी थी, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। आज के हम दिन को हम लोग सब बलिदान दिवस के रूप में मना रहे हैं। विशेषकर हमारे युवा पीढ़ी जो पश्चिमी संस्कृति की ओर अग्रसर हैं, उनके लिए ये प्रेरणा की बात है। हम उनसे चाहते हैं कि इनसे प्रेरणा लें और देशभक्त बने, यही भगत सिंह के लिए सही श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि आज 14 फरवरी के दिन शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और पुलवामा में जो हमारे 40 शहीदों का जो पुलवामा हादसा में जो शहीद हुआ है, इसके लिए आज हमारे संबलपुर में युवा वर्ग के लोग इसको एक शहीद दिवस के रूप में मना रहे हैं, और ये अच्छी संकेत है, क्योंकि हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है।